यहाँ पे हम आलू कट कर रहे हैं। आज हम एक रेसिपी बनाने वाले हैं क्योंकि आज है मम्मी का जन्मदिन, तो हमने सोचा कि कुछ बना देते हैं इवनिंग स्नैक के लिए। तो इस ब्लॉग को पूरा देखना, आपको अच्छा लगेगा। ब्लॉग के साथ साथ आपको आज रेसिपी भी देखने को मिलेगी मेरे ब्लॉग में, तो ब्लॉग को एंड तक देखना दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा रेसिपी को देख के, और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना घर में एक बार। तो यहाँ पे हम कद्दूकस करने लगे हैं आलू को। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, अगर आपके पास बॉइल्ड पोटैटो हैं तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं, और कच्चे आलू हैं तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके मर्जी पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से आलू मतलब इसमें रेसिपी में डालने वाले हैं, ठीक है। तो इस रेसिपी को आप पूरा देखिएगा तो तभी आपको समझ में आएगी, तभी आपकी रेसिपी क्या होगी अच्छी बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो गाइस, हमने रख दी है गैस में कढ़ाई, यहाँ उसमें पे डाल दिया हमने है थोड़ा सा तेल, और उसके बाद इसमें डाल दिया है तिल, जीरा, और उसके बाद थोड़ा पानी डाल दिया है हमने। उसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं चिली फ्लेक्स। सॉरी गाइस, ये थोड़ा रेसिपी बीच में मिस हो गई थी मेरे बेटे के कारण, तो जितनी है उतनी मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो फिर हमने इसमें कच्चे आलू ऐड कर दिए हैं, इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि जो आलू का कच्चापन है वो दूर हो जाए। उसके बाद हमें इसमें सूजी भी ऐड करनी है गाइस, और फिर ये जो रेसिपी है तो इसे पूरी नहीं बता पाई आपको, मैं बता चुकी थी। मेरा बेटा आ चुका था, मोबाइल मांगने की जिद करने लगा था। तो फिर इसके बाद जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इस तरह से इसका मतलब एक डो बन के रेडी हो जाएगा। तो इसको हमें हाथ से, इसको कोई भी अच्छे से, जब ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा, उसको अच्छे से सेप देनी है जो भी आपको अच्छे से लगे, और फिर इसे गरम तेल में पका देना है। तो आपको जैसे गोल बनाओ, सिलेंडर की तरह के जो भी आपको लगता है वैसे आकार के आप बना सकते हैं, ठीक है गाइस। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो मैं चलती हूँ सारे फैमिली मेम्बर्स को खिलाने के लिए गर्मा गर्म। तो अगर मेरी थोड़ी सी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वंस अगेन मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके जाना, और मेरे वीडियो ब्लॉग को देखो। मेरा बेटा पीछे आ चुका है और जिद कर रहा है, मुझे मोबाइल चाहिए मोबाइल चाहिए। बच्चे होते ही आजकल कैसे हैं, उनको बिना मोबाइल के काम नहीं चलता उनका। तो ये है पापा, यही चलती हूँ न्यू ब्लॉग।